जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हमने बहुत सारे राज्यों के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में जानकारी दी, जैसे कि गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर, उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर, राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर। और आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ही सम्मान दिया है उन वीडियोस पर। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, बहुत अच्छे लाइक्स हैं और बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं। और इसी क्रम में हमारे पास बार बार डिमांड आ रही है, बार बार मांग की जा रही है दर्शकों से कि दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो आप सभी लोगों के अनुरोध पर आज इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों की जानकारी संकलित करके शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दिल्ली भारत की ना केवल राजधानी है, भारत का ना केवल बहुत बड़ा शहर है, ना केवल एक ऐतिहासिक शहर है, बल्कि दिल्ली अपनी आधुनिकता, अपनी प्राचीनता, अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपनी आध्यात्मिकता के लिए, अपनी धर्म परायणता के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और यही कारण है कि दिल्ली में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो कुछ मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। तो दिल्ली जाएं तो दिल्ली में घूमने के लिए वैसे बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हमने उसमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की जानकारी आपके लिए संकलित की है। चलिए एक एक करके हम संक्षेप में आपको इन मंदिरों के बारे में बताते हैं। देखिए, दिल्ली में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो सबसे भव्य मंदिर है, वो है अक्षरधाम। अक्षरधाम मंदिर वैसे अहमदाबाद का काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अक्षरधाम मंदिर 2005 में निर्मित हुआ था, जो भगवान स्वामी नारायण जी को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों के रूप में आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। जी हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है, तो देखना बनता है। तो जब भी दिल्ली जाएं, जरूर देख कर आएँ। इस मंदिर परिसर में आपको 20,000 दिव्य महापुरुषों की मूर्तियां देखने को मिलेगी। और ये मंदिर 100 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ बहुत ही जबरदस्त नक्काशी के द्वारा तैयार किया गया है। संगमरमर और बलुआ पत्थर से इसका निर्माण कराया गया है। शानदार बगीचे और शानदार मंदिर देखना बनता है। तो जब भी दिल्ली जाए, अक्षरधाम मंदिर देखना जरूर जाए। ये मंदिर सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है, और इस मंदिर में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक लाइट शो होता है, एक प्रदर्शनी जो होती है, उसमें यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टिकट लेना होता है। चलिए संक्षेप में ही करेंगे बात, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं। दूसरे मंदिर की बात करें तो दूसरा मंदिर है कालका जी मंदिर। देखिए, कालका जी मंदिर दिल्ली का एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है, और इसी मंदिर के नाम से मेट्रो स्टेशन भी है। तो कालका जी मंदिर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, माँ काली को, काली देवी को समर्पित है, जो आदि शक्ति है, जो दुर्गा की अवतारों में से एक है, जो दुर्गा की उद्गम रूप माना जाता है। सबसे पहला, सबसे भयंकर रूप जो है माता का, आदिशक्ति का, वो काली है। तो इस मंदिर में जो माता काली की मूर्ति है, वो भी काफ़ी चमत्कारी मूर्ति है। कहते हैं कि ये मूर्ति किसी कारीगर के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि स्वयं भू मूर्ति है। तो दिल्ली में इस मंदिर को जयंती पीठ, मनोकामना सिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ देवी भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती है। तो मंदिर का खुलने का समय सुबह 5 बजे ये मंदिर खुल जाता है, और संध्या काल के समय, गर्मियों में 8:30 बजे तक खुला रहता है, और सर्दियों में 8 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। इस मंदिर में भी प्रवेश का कोई शुल्क नहीं है। तो दिल्ली जाएँ तो कालका जी मंदिर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा योग माया मंदिर दिल्ली, बहुत ही खूबसूरत प्रसिद्ध मंदिर है, योग माया का मंदिर है। और ये मंदिर
कुतुब परिसर के पास में ही मेहरौली नई दिल्ली में स्थित है। योग माया का मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जिसे जोग माया मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अब ये योग माया भगवान श्री कृष्ण की बहन को माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण की बहन जो है जो योग माया के रूप में प्रकट हुई थी। आपने महाभारत या कृष्णा सीरियल देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कंस एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को मार देता है, लेकिन 8वां जो होता है वो पुत्र नहीं होता है, वो योग माया होती है जो उसके हाथ से छूटकर उड़ जाती है और फिर आकाशवाणी करती है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया को समर्पित है। और महाभारत काल के 5 जीवित मंदिरों में से इसे एक माना जाता है, यानी कि ये मंदिर उस समय से ही माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में कहते हैं कि समस्त मनोकामनाएं देवी पूरा करती है। तो मंदिर में देवी योग माया के दर्शन करने बनते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को संध्या काल को 8-8:30 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है और यहाँ भी एंट्री के लिए किसी को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है। दिल्ली में एक भैरवनाथ का मंदिर है जिसे किलकारी भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये प्रगति मैदान के पास में एक पुराने किले में स्थित है श्री किलकारी भैरवनाथ मंदिर। दिल्ली का बहुत ही अनूठा मंदिर इसे माना जाता है। ये मंदिर भी महाभारत काल का ही माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। यहाँ आपको 2 प्रतिमाएं, 2 मंदिर देखने को मिलेंगे, एक दूधिया भैरव मंदिर और दूसरा किलकारी भैरव मंदिर। दूधिया भैरव मंदिर में जो मूर्ति है उसे दूध चढ़ाया जाता है, जबकि किलकारी भैरव मंदिर के भैरवनाथ को शराब का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ इस मंदिर को ये सारी चीज़ें बहुत ही खास बना देती है और दिल्ली में आने वाले लोग यहाँ भैरवनाथ के दर्शनों के लिए ज़रूर से आते हैं। आपको भी ज़रूर से जाना चाहिए। यहाँ मंदिर में भैरवनाथ की मूर्तियों पर दूध और शराब चढ़ाने पर कहते हैं कि सारी विपत्तियाँ, सारी समस्याएं दूर हो जाती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये भी कहा जाता है कि पांडवों के सबसे महाबली भीम ने इस मंदिर में भैरवनाथ का पूजन किया था। ये मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात को 9 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक इस मंदिर के पट बंद रहते हैं और इस मंदिर में भी प्रवेश निःशुल्क है। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो दिल्ली में आप कनॉट प्लेस जाइए, यहाँ पर आपको प्राचीन हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थापित है जो न केवल दिल्ली के हनुमान भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है बल्कि बाहर से आने वालों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को भी महाभारत काल का मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत काल के समय दिल्ली में 5 मंदिर बनाए गए थे, उनमें से ये एक मंदिर यह है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1724 में महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था और ये मंदिर हनुमान जी को समर्पित मंदिर है। और हनुमान जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं और यही कारण है कि मंदिर की छत को भगवान श्री राम की तस्वीरों से सजाया गया है। और आपको ये बात जानकर भी बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि श्री राम जय राम, श्री राम जय राम का यहाँ पर निरंतर जाप होता रहता है और इसकी वजह से इस मंदिर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। तो ऐसा अद्भुत और प्राचीन मंदिर, और वो भी हनुमान जी का मंदिर, देखना बनता है। आप यहाँ हनुमान जी के दर्शनों के लिए सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जा सकते हैं। दिल्ली का एक बहुत ही खास मंदिर है जो कि सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और वो है लोटस टेंपल। जी हाँ, लोटस टेंपल दिल्ली का एक खास आकर्षण है। यही कारण है कि बाहर से आने वाले लोग तो लोटस टेंपल देखने जाते ही हैं, मगर दिल्ली के लोकल व्यक्ति भी समय मिलने पर लोटस टेंपल देखने या घूमने या दर्शनों के लिए जरूर जाते हैं। इस मंदिर का आकार एक कमल के फूल की तरह है और इसी कारण इसे
लोटस टेम्पल का नाम दिया गया है। तो इस टेम्पल में आप घूमने के लिए जा सकते हैं, थोड़ी शांति के लिए आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ आपको बहुत अधिक शांति मिलेगी। सुबह 6 बजे ये मंदिर खुल जाता है, संध्या काल के समय 7 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। लोटस टेम्पल में भी घूमना बिल्कुल फ्री है, यहाँ आपको कोई टिकट नहीं लेना होता है। इसके अलावा दिल्ली में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहलाता है। जी हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर सभी जाति के समुदाय के लोग जाते हैं। वैसे ये एक हिंदू मंदिर है, लेकिन यहाँ सभी जाति और समुदाय के मंदिर जाते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है, और लक्ष्मी जी तो सभी को चाहिए। इस मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो अब आप समझ गए होंगे, बिरला मंदिर दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और ये मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं है, बल्कि इसकी वास्तुकला इतनी ज़बरदस्त है कि बाहर से आने वाले सभी लोग और कला प्रेमी इस मंदिर को देखने के लिए यहाँ आते हैं। लगभग 8 एकड़ में ये मंदिर फैला हुआ है, और इस मंदिर की गिनती भी, इस मंदिर को भी दिल्ली के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। तो ये मंदिर देखना बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आपको हनुमान जी का एक और भव्य मंदिर देखने को मिलेगा, जिसे झंडे वाला हनुमान जी का मंदिर कहते हैं। ये मंदिर करोल बाग और झंडे वालान मेट्रो स्टेशन के बीच में मेट्रो लाइन के साथ साथ या मेट्रो लाइन के ऊपर स्थापित किया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर आपको हनुमान जी की एक बहुत ही विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी, जो 108 फीट ऊंची मानी जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूर्ति के आपको यहाँ दर्शन होंगे। मंदिर का एक मुख्य आकर्षण और है, वो है यहाँ का दरवाज़ा, जो एक दानव के मुंह का बनाया हुआ है, एक दानव के मुंह की तरह बनाया हुआ है। आपको ये मंदिर बहुत ही अच्छा लगेगा। हम शॉर्ट में चलते हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो झंडे वालान हनुमान मंदिर करोल बाग देखना मत भूलिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, जो वृंदावन जाते ही रहते हैं, तो वृंदावन में आपको एक बहुत ही मन को मोह लेने वाला मंदिर है, वो है इस्कॉन टेम्पल। वैसा ही एक इस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर, जिसे हरे राम हरे कृष्ण मंदिर के रूप में भी यहाँ जानते हैं। वर्ष 1998 में इस मंदिर की स्थापना हुई है, और ये मंदिर इस्कॉन टेम्पल के रूप में या फिर हरे रामा हरे कृष्ण के मंदिर के रूप में यहाँ जाना जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर है। इस मंदिर में सेंटर हॉल में आपको हर समय हरे रामा हरे श्री कृष्ण की धुन सुनने को मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। इस मंदिर का खुलने का समय सुबह 4:30 बजे का है, और शाम को 9 बजे तक, रात्रि तक ये खुला रहता है। जो लोग इस्कॉन के फैन हैं वो जानते हैं कि इस्कॉन मंदिर कैसा होता है, जो लोग नहीं जानते हैं वो जाकर देखिए और आनंद लीजिए। इसके अलावा दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। तो इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी स्थापित किए हुए हैं, विराजमान हैं। इस मंदिर में भगवान बलभद्र जी, जो कि जगन्नाथ जी के भाई हैं, और सुभद्रा जी, जो कि जगन्नाथ जी की बहन है, सुदर्शन चक्र की मूर्तियां भी यहाँ स्थापित है। तो आप जगन्नाथ मंदिर देखने जरूर जाइए, यहाँ भी एंट्री बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा कालीबाड़ी मंदिर है। कालीबाड़ी मंदिर दिल्ली के सबसे पुराने मंदिरों में से, सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। माता काली को ये मंदिर समर्पित है। कालीबाड़ी मंदिर कनाट प्लेस में लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के पास में ही है, और ये मंदिर जो लोग बंगाल से हैं उनके लिए बहुत ही आस्था का केंद्र है, क्योंकि काली कलकत्ते वाली, यानी कि बंगाल के जो लोग हैं वो उनकी मुख्य देवी माता काली ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग माता के दर्शनों के लिए नहीं जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। 1936 में यहाँ जो
रीति रिवाज सेट किए गए थे, आज भी वही रीति रिवाज यहाँ चले आ रहे हैं। यानी कि ये मंदिर पारंपरिक तौर पर आज भी उसी तरह से यहाँ पर पूजा की जाती है। बड़ा ही आनंद आपको यहाँ आएगा, आप काली माँ के इस भव्य मंदिर कालीबाड़ी मंदिर के दर्शनों के लिए ज़रूर जाइए। इसके अलावा दिल्ली में एक शनिदेव को समर्पित मंदिर है जो कि दिल्ली के आसोला में स्थित है, शनि धाम मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। शनि धाम मंदिर में जो भगवान शनिदेव की मूर्ति स्थापित है वो भगवान शनिदेव की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। जी हाँ, इतनी भव्य मूर्ति आपने शनिदेव की कहीं नहीं देखी होगी। साधारणतः आप जब भी शनि मंदिर में जाते हैं तो आप देखेंगे कि 1-2 फीट से ज़्यादा ऊंची मूर्ति नहीं होती है, लेकिन यहाँ एक भव्य मूर्ति आपको देखने को मिलेगी जिसे एक चट्टान को काटकर बनाया गया था। और इस मंदिर में आपको शनिदेव के अलावा हनुमान जी, माता जगदम्बा देवी और भोलेनाथ शिव के शिवलिंग के दर्शन भी आपको यहाँ होने वाले हैं। इस मंदिर में कोई पुजारी नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, किसी प्रकार का कोई पंडित आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो भक्त आपके मेरे जैसे लोग जो आते हैं वही शनिदेव की इस मूर्ति की, इस विशाल मूर्ति का पूजन करते हैं। कहते हैं कि यहाँ इस मूर्ति को तेल अभिषेक करने से सारी विपत्तियाँ समाप्त हो जाती है। तो शनिदेव के इस मंदिर में जाएं तो तेल अभिषेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, तो अपने साथ में तेल लेकर जाएं। ये मंदिर सुबह से लेकर शाम तक खुला है, इसमें भी कोई एंट्री फीस नहीं है। इसके अलावा उत्तरा स्वामी मलाई मंदिर है जो कि भगवान स्वामीनाथ जी को समर्पित मंदिर है। अपनी तमिल वास्तुकला के लिए ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप साउथ इंडिया में आ गए हैं, क्योंकि इस मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय मंदिरों की शैली से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो इस मंदिर को भी देखना बनता है। इस मंदिर में आपको कई सारे मोर देखने को मिलेंगे जो कि भगवान मुरुगन के वाहन है, और भगवान मुरुगन खासकर दक्षिण के एरिया के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय है। इसके अलावा नीली छतरी मंदिर दिल्ली आप ज़रूर जाइए। नीली छतरी वाले आपने गाना सुना होगा, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर जो कि दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित है। और ये मंदिर भी महाभारत काल का मंदिर माना जाता है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ भी काफ़ी संख्या में भक्तगण यहाँ आते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव के मंदिर में जाएं तो बेलपत्र और दूध ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें, भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं। तो ये थे दिल्ली के कुछ प्रसिद्ध मंदिर। काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो गया है, मगर आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा, आपको जानकारी अपडेट हुई है। इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, लाइक करना चाहिए, हमने बहुत मेहनत की है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स, हर टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।